फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम अपने फेस को कितना ग्लो करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। टीनेजर से लेकर के वर्किंग वुमेन या फिर जो हाउसवाइफ होती है नॉर्मली, वो भी चाहती हैं कि हम उनकी जो फेस स्किन हो वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, कोई दाग धब्बे ना हो, कोई स्पॉट्स वगैरह ना हो, और किसी भी जैसे एजिंग लाइन या रिंकल फाइन लाइन, कोई किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, पूरा जो हमारा स्किन हो वो स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, और एक स्मूथनेस जो रहती है स्किन की वो बनी रहे, मॉइस्चर रहे हमारी स्किन में, हर कोई चाहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, यस, जैसे दुर्गा पूजा भी आ रहा है, दशहरा है, करवा चौथ है, दिवाली है, एंड इसके बाद स्टार्ट होगा आपका शादियों का सीजन। तो शादियां, जैसे कि पता ही है सबको, हर कोई लग जाता है अपने आप को अच्छा ट्रीट करने के लिए, अपने फेस को निखारने में। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम कभी भी किसी से मिलते हैं, इंट्रो करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो हमारे सीधे जाता है फेस पे। हम सामने वाले के फेस को देखते हैं, चाहे वो किसी शादी वगैरह में आया हो या फिर वैसे भी हम मिलने जाते हैं, तो हमारा जो कनेक्टिविटी होती है वो सीधे डायरेक्ट फेस पे जाती है। और फेस को इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा रहे, क्लियर रहे, ग्लोइंग रहे। तो आज ऐसी ही रेमेडी लेकर के आई हूँ, बहुत ही ईजी है। सबसे मेन चीज़ वो ऑल स्किन टाइप से सबको सूट करती है, और उसका जो इफेक्टिव है, मतलब इतनी वो नेचुरल तो है ही, साथ ही साथ नो साइड इफेक्ट है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कोई साइड इफेक्ट, तो देखिए भाई, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम कभी कोई ऐसी चीज़, ऐसी रेमेडी लेकर आप लोग के लिए नहीं आते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाए, तो इसलिए हम उसको अपने ऊपर ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एंड आज का लुक आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्योंकि आपने मुझे अभी तक इस तरह से वीडियो बनाते हुए नहीं देखा होगा। तो मैं सोचती हूँ कि लाइफ है, लाइफ को थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए, आप लोग के लिए भी थोड़ा न्यू और हमारे लिए भी थोड़ा न्यू, इसलिए मैंने आज थोड़ा इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें इंग्रेडिएंट के साथ एक ऐसा कोर इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को रिजेनरेट करेगा और अंदर से निखारेगा। वो चारों ही जो हैं वो अपने आप में आपकी स्किन को सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड डीपली मॉइस्चराइजिंग, साथ ही साथ अंदर से ग्लो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जो चीज़ है, वर्क है, वो है आपकी स्किन को ग्लो करना, मतलब बढ़ाना। और स्किन, जैसे कि हम कहते हैं कि गोरी हो जाती है, तो देखिए जो आपका फेस है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। लोग कहते हैं कि एक बार में इंस्टेंट गोरे हो जाते हैं, तो देखिए गोरे और ऐसे नहीं होते हैं, हमारी जो आपकी फेस है, जो आपकी स्किन है वो वैसी ही रहती है। होता क्या है, हमारे फेस पे बहुत ही गंदगी जमा हो जाती है पॉल्यूशन से, या फिर हम बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। तो स्किन को रिपेयर करते हैं हम, उसको सफाई करते हैं एंड उसको क्लियर करते हैं, तब जाके हमारा नेचुरल जो ग्लो है वो सामने आता है। तो इस तरीके से हम अपने फेस को ग्लो करते हैं एंड आपके लिए लेकर के आते हैं इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडी। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं तो इसको वीकली ज़रूर यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। एंड ऑल स्किन टाइप्स मैं बता रही हूँ आपको, ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप इसमें एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप नॉर्मल एज अ गुलाब जेल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्किन वो को लेकर के, कि जैसे आपकी स्किन ड्राई है तो उसके साथ ये चीज़ ले लीजिए। बट अगर आप नॉर्मल एज अ वाटर के साथ भी ले देना, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एंड इफेक्ट बिल्कुल वही इफेक्ट मिलेगा जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। जो मेरे चेहरे पे ग्लो है वो उसी की वजह से है, क्योंकि मैं वीकली इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है एंड गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं वीक में एक बार उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसको यूज़ कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग यूज़ कीजिए एंड उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, आपको कितना उसका इफेक्टिव रिज़ल्ट मिला फर्स्ट डे में, क्योंकि वो फर्स्ट अप्लाई में इतना अच्छा रिजल्ट दे देती है। तो प्लीज़ आप उसको ट्राई कीजिए एंड अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है, उसको कैसे बनाया है, एंड क्विक इसको स्टार्ट करते हैं।
लिया है एक बाउल, क्लीन कांच का बाउल, और उसमें ऐड करूंगी 1.5 स्पून मसूर की दाल। तो इसको मैंने घर पे ही ग्राइंड करके रख लिया था, और आप चाहें तो इसको घर पे ग्राइंड कर सकते हैं इजीली, एंड लंबे टाइम तक इसको रख सकते हैं एज अ कंटेनर में। आप इसको करके लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं, और कभी भी आपको फेस पैक बनाना हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी मैं रोज़ वाटर, तो 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पे रोज़ वाटर लेना है। एंड इसके बाद ऐड करना है हनी यानी कि शहद, और शहद जो होता है वो हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइजिंग करता है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे शहद यूज़ करना है। एंड इसके साथ ही हमें ऐड करना है यहाँ पे दही, तो 1 स्पून दही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दही, एंड इन मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपको इसे अभी तुरंत नहीं लगाना है, आपको इसको लगभग 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे से, एंड उसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करके लगभग 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, एंड उसके बाद इस मिरेकल रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं कंप्लीट, और अब हम इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। तो चलिए देखते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने आप फेस को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, और यहाँ पे मैंने लिप बाम लगाया हुआ है निविया का, ताकि हमारा जो मेरा ओहोट है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। एंड इसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं अपने फिंगर टिप्स यूज़ कर रही हूँ अप्लाई करने के लिए। आप चाहें तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं। तो फिंगर टिप पे ले लिया है, और इसको ईजिली अप्लाई कर लेंगे, और बहुत ही स्मूथ है ये पेस्ट, और ईजिली अप्लाई हो भी जाएगा, एंड कूलनेस का एहसास कराता है बिकॉज इसमें दही मिक्स है। दही जो होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, और दही में वो सारे गुण होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर से स्किन के डेड सेल्स को निकालता है दही, और सूदिंग करता है आपके फेस को, साथ ही साथ आपके फेस में एक टाइटनेस लेके आता है आपकी स्किन को, और गोरा भी करता है, ग्लो लाता है अंदर से, डेड सेल्स को रिमूव करता है दही। एंड इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है फेस पे। तो यहाँ पे मैं अपने फेस एंड नेक एरिया को भी कवर करूँगी इससे पैक से। आप चाहें तो इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये होल बॉडी पैक भी है, आप चाहें तो इसको अपने होल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, मींस अपने फेस पे, नेक पे, एंड अपने हाथों और पैरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैक को। तो अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेना है, एंड नेक पे अप्लाई कर लेना है। इसमें और जो चीज़ें हैं, हनी है, हनी आपको डीप मॉइस्चराइजिंग करता है, आपकी स्किन को सूदिंग करता है, सॉफ्टनेस बनाता है आपकी स्किन को। एंड साथ ही साथ यहाँ पे यूज़ किया है मैंने गुलाब जल एज अ टोनर के रूप में, जो गुलाब जल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट फ्रेशनेस एंड फ्रेगनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ताजगी से भर देता है, एंड बहुत कूल फ्रेशनर है ये। एंड इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो मेन इसका हमारा जो कोर इंग्रेडिएंट है इसमें, जो मसूर की दाल है, रेड मसूर रहती लाल मसूर की बिना छिलके वाली दाल, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसको नॉर्मल भी एज आप रोज़ वाटर के साथ या फिर
एज अ पानी के साथ या फिर आप रॉ मिल्क के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपके स्किन पे एक अच्छा ग्लो ये छोड़ जाएगा। एंड दोनों हाथों से इसको अच्छे से मसाज करना है, सिर्फ पैक लगा के छोड़ना नहीं है आपको, अच्छे से ऐसे सर्कुलर मोशन में और धीरे धीरे आपको मसाज करके उसके बाद इसको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। तो अच्छे से मैं यहाँ पे अपने फोरहेड पे, अपने चीक एरिया पे, चिन एरिया पे एंड नेक एरिया पे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। और बिल्कुल इस तरीके से मसाज करके एंड अगेन आपको अप्लाई कर लेना है जिस जगह पे छूट गया है, या फिर मसाज करते टाइम जहाँ पे हट गया है तो वहाँ पे अगेन आपको अप्लाई करके और छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें इसे हल्का सा गीला करके उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। तो 10 मिनट हो गए हैं और मेरा फेस हो गया है बिल्कुल ड्राई, मेरा पैक, तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फेस को वॉश करके आ गई हूँ और इसे टैप टैप करके अच्छे से अपने फेस को पोंछ लेना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है कि आपको खींच के और मतलब बहुत ही उससे इसे पोंछना है, तो नॉर्मली ऐसे पोंछ लीजिए। और देखिए मेरे फेस पे फर्स्ट एप्लीकेशन से ही ग्लो आ गया है, मेरी स्किन हो गई है टाइट यहाँ पे। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो स्किन होगी वो सूदिंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी, और अगर आप में एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है तो वो भी ये इसे एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस तरीके से ने पहले ही बार में कितना अच्छा ग्लो आया मेरे फेस पे, और मैं जैसे कि वीकली इसको यूज़ करती हूँ मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ग्लो आपके फेस पे आएगा। एंड आपको कोई भी पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी तरह का कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको रेगुलर यूज़ किया फेस वॉश पे, मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ 100% वर्क करता है, क्योंकि ये होम मेड रेमेडी है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो यूज़ किया मैंने यहाँ पे लेंटिस पल्स, यानी कि मसूर दाल, लाल मसूर दाल आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा, स्किन पॉलिशिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये अंदर से नेचुरल ग्लो लेकर के आती है। इसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया गुलाब जल। गुलाब जल एज अ टोनर का भी काम करता है, एज अ फ्रेशनेस का भी काम करता है, आपकी स्किन को स्मूथनेस बनाता है। एंड इसके साथ मैंने यूज़ किया यहाँ पे शहद, यानी कि हनी। हनी आपको डीप, आपकी स्किन को डीपली अंदर से मॉइस्चराइजर करता है, इसकी जो स्किन की नमी है वो बरकरार करता है, एंड ओवरऑल आपकी स्किन को ग्लो करता है अंदर से। ये तीनों रेमेडी, सॉरी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपके स्किन को अंदर से ग्लो ही करेंगी और हमेशा करेंगी। ऐसा नहीं है आप जैसे पार्लर जाएंगे, फेशियल करवाएंगे तो वो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल आपकी स्किन को वैसे ही कर देगी जैसी आपकी स्किन थी, बट ये चीज़ें आपकी स्किन को वैसा नहीं करेंगी, अंदर से निखारेंगी और ग्लो ही ग्लो करेंगी। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना वीडियो पे ये वीडियो कैसी लगी, और यूज़ करके तो ज़रूरी कमेंट करना मुझे, अपने शेयर करना मतलब अपनी चीज़ें कि हाँ आपको कितनी इफेक्टिव लगी, एंड इस वीडियो को भी शेयर करना ताकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें टाइम में, आज की लाइफ में हर कोई चाहता है अपने फेस को अंदर से निखारना और ग्लो करना। तो इससे अच्छा फेस पैक तो मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगा, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक का बटन ज़रूर दबाना, हिट द लाइक बटन, एंड अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, बेल आइकन के साथ इसलिए ताकि कोई भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे और इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।